बता, राम जी को मंदिर को ने तुम भारत में बनवा लिया, अपना नहिरा को जन्मभूमि को ऐसा बनवाओ कि जब तक ये धरती आकाश मनुष्य रहेगा नाम तुम्हारा रोशन रहेगा। खुद का वर्नल कुछ भड़क रही है कि ये टिकट दे दिया है बड़े लोग का, उससे कुछ जनता भड़क रही है, वो कुछ जनता उस जात से भड़क रही है। अच्छा। लेकिन अब इसके बाद पीछे माँ जानकी अगर चाहे तो बल आगे हो जाएगा। ठाकुर जी वो भी सीतामढ़ी में 15 साल से कार्यक्रम करते आए हैं और अच्छा अच्छा उनका वातावरण जाति से उठकर सारा वातावरण उनका रहा है। अयोध्या जी में जितना विकास हुआ वो विकास सीतामढ़ी मंदिर करेंगे, इसी विकास पर के काज पर आपको सारा सीतामढ़ी जेडीयू के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी शिवहर हर जगह जेडीयू का हवा, नरेंद्र मोदी का हवा है और रहेगा। और जो भी एनडीए से आते हैं वो विजय प्राप्त करके ही जाते हैं। अच्छा, हमारे विरोधी भी हैं तो वो भी एनडीए के ही समर्थन में, वो भी 2009 में यहाँ से सांसद बने थे। शरद ठाकुर ने हम लोगों से ये मुद्दा किए हैं कि यहाँ राम अयोध्या में जो राम मंदिर बने हैं उसी तरह विकराल हम लोगों को सीतामढ़ी में जानकी जी का अति मूर्ति यहाँ मंदिर जो बनेगी, भव्य मंदिर बनेगी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार के उत्तरी भाग में स्थित नेपाल सीमा पर ये मिथिला की धरती पर अभी हम हैं और जैसा कि न्यूज फाउंडेशन की टीम चुनावी सफर के दौरान सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का जो है जमीनी हकीकत जब जानने की कोशिश किया, यहाँ आकर के यहाँ की बातों को समझने का कोशिश किया तो सीतामढ़ी नाम ही अपने आप में एक अलौकिक है। बता दें कि जब से अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर बना उसके बाद से यहाँ भी जो है उसी तरह का मंदिर बने और इस यहाँ जो माता सीता जी का जो स्थान है, जन्मस्थली है, इसका भी उसी तरह से जो है जीर्णोद्धार किया जाए, इसकी मांग उठने लगी। हालांकि सीतामढ़ी को लेकर के कई पौराणिक कथाएं हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजा जनक जब बारिश नहीं हो रही थी उस दौरान उन्होंने हल चलाया और माता सीता जो है धरती से अवतरित हुई, जिसके बाद से ये जो स्थान जो है अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक और अद्वितीय रूप के तौर पर जो है यहाँ देखने को मिला। हमारे साथ कुछ लोग थे, हम एक बार आपको पुनः तस्वीर दिखा दें। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये सीता कुंड है और यहाँ का मान्यता है कि जो भी स्त्री हैं अगर उन्हें संतान नहीं हो रही है या उन्हें जो है पुत्र रत्न प्राप्ति चाहिए तो एक बार इस कुंड में वो स्नान करें। इसकी कई कथाएँ हैं, यहाँ आकर के लोग जो हैं कई जो बाबा हैं यहाँ के जो पुजारी हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कई बातों को बताते हैं कि इस कुंड का एक अपने आप में महत्व है, यानी कि मुख्य रूप से ये संतान उत्पत्ति के लिए ये कुंड को माना गया है। स्थानीय लोग से यहाँ जानेंगे और समझेंगे कि एक तरफ जहाँ चुनाव है लोकसभा का और दूसरी तरफ यहाँ माता सीता का जो जन्मस्थली है, जो मंदिर है, उसके निर्माण करने की जो मांग उठ रही है क्या अब तक के हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है तमाम मंदिरों को निर्माण के लिए कई जो है करोड़ों रुपए का जो है उन्होंने योजना बनाई है। सबसे पहले तो बाबा आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम हमारे सरजुग दास। आप यहीं के रहने वाले जी? माता जी हम इसी धरती पर माता ने जन्म लिया है और माता को जन्म में तपस्या करवाया इसी धरती पर माता ने बुलाया है। अच्छा, हम आपसे पूरी कथा को सुने और मेरा मन भी बहुत आनंदित हो गया और यहाँ आने के बाद हमने पूजा अर्चना की और बाबा से हम जानने की भी कोशिश कर रहे थे तब तक के माता सीता ने आपको जो है आदेश दिया, आपने पूरी कथा को सुनाया। अभी क्या यहाँ लग रहा है और भी यहाँ पे जो है एक तरह से कहा जाए कि विकसित होना चाहिए था, यहाँ मंदिर की जो भव्यता है और भी होनी चाहिए थी जी? माता जी मंदिर को ये तो ये ऐसी भावना हम लोग दिल में रखे हैं ये माँ का धरती पर कि हे माता राम जी को मंदिर को ने तुम भारत में बनवा लिया, अपना नहिरा को जन्मभूमि को ऐसा बनवाओ कि जब तक ये धरती आकाश मनुष्य रहेगा नाम तुम्हारा रोशन रहेगा। ये भात होता रहे माता जानकी, ये माँ से भावना मैं रखा हूँ। अच्छा, चुनाव भी है बाबा? जी 20 तारीख डालते हैं। हाँ वोट डालते हाँ, हैं? डालते हैं, डालते हैं। क्या इस बार माहौल लग रहा है यहाँ देखल जाओ, इसमें कुछ बाधा है। क्या है जैसे? बाधा क्या है, ये इलेक्शन कुछ जाति पक्षित से छोटका बर्नल कुछ भड़क रही है कि ये टिकट दे दिया है
बड़े लोग का, उससे कुछ जनता भड़क रही है। नहीं तो ये साल अगर उस जातियों का छोड़कर तीर छाप अगर कुत्ता के घर में मोदी जी चाहे नीतीश बनवा देता तो बक्सा में वोट नहीं समाता माता जी। अच्छा, लेकिन कुछ गरीबों कुछ जनता उस जात से भड़क रही है। अच्छा, लेकिन अब इसके बाद पीछे माँ जानकी अगर चाहे तो बल्ब आगे हो जाएगा। यही इतना बात और है, लोग से जानेंगे। सर आप यहीं के रहने वाले हैं, शुभ नाम क्या हुआ? जयनारायण महतो। जयनारायण महतो जी, क्या अभी लग रहा है माहौल, चुनावी माहौल क्या लग रहा है सीतामढ़ी में? चुनावी माहौल हमारे मुख्यमंत्री जी के अति में अच्छा चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी है जी। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ जो संसद के लिए चुना गया है सांसद जी देवेश चरण ठाकुर जी, वो भी सीतामढ़ी में 15 साल से कार्यक्रम करते आए हैं और अच्छा उनका वातावरण जाति से उठकर सारा वातावरण उनका रहा है जी। इसीलिए वोट इनका किसी तरह का ही नहीं होने जा रहा है, इसलिए 15 साल से वो सेवा देते आ रहे हैं और अभी सभापति बने हैं। जब तक संसद नहीं तो उसके बाद भी सारे जिला को सेवा देते आए हैं और भगवान करे संसद बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस सीतामढ़ी जिला माँ जानकी के स्थल पर और उनका वादा हुआ है कि हम अच्छे तरीका से मंदिर का निर्माण करवाएंगे। नरेंद्र मोदी जी बोल चुके, प्रधानमंत्री हमारे बोल रहे, मुख्यमंत्री 72 करोड़ 88 लाख रुपया दिए थे और हमारे मोदी जी भी आश्वासन दिए हुए कि सीता माई के जितना अयोध्या जी में जितना विकास हुआ वो विकास सीतामढ़ी मंदिर करेंगे। इसी विकास पर के काज पर आपको सारा सीतामढ़ी जे डी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का मेन मुद्दा है कि मंदिर का विकास हो। आपसे ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि इसका तो बहुत पौराणिक कथाएं हैं, बहुत इससे जुड़ी हुई चीजें हैं सीतामढ़ी खास तौर पर। अभी क्या सीतामढ़ी में लग रहा है? सीतामढ़ी में जिस प्रकार से अभी बिहार के अगर देखा जाए तो राजनीति में जातिवाद बहुत 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 ज्यादा जी, जातिवाद बहुत ज्यादा है। देश में ऐसा नहीं, ऐसा है, कैंडिडेट कोई भी हो मोदी जी के हवा है, नरेंद्र मोदी के हमारे यहाँ हर बिहार में हवा है और कैंडिडेट के ऊपर थोड़ा बहुत तो नहीं सो रहा था, लेकिन हमारे कैंडिडेट बहुत ही अच्छे चुने हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा कोई भावना नहीं है और अच्छे वोटों से जीतेंगे। यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ है जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ से अर्जुन राय हैं जी। अर्जुन राय जी, तो क्या है दोनों का टक्कर, किस तरह का है? टक्कर तो नहीं माना जाए, नहीं माना जाए। क्यों? इसलिए कि यहाँ मोदी हवा है, मोदी का लहर है। मुख्यमंत्री जी का जो हमारा जो संदेश मिला है जिला में बिहार में उस कार्यक्रम के देखते हुए कोई भी लोग आएंगे उसको किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। सीतामढ़ी शिवहर हर जगह जेडीयू का हवा, नरेंद्र मोदी का हवा है और रहेगा। अच्छा भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार पटेल है। काफी आप जैसे लग रहा है कि काम जैसे होता है ना व्यस्ततम, वो वाली आपको देखकर के ऐसा हमको फील हो रहा है, लग रहा है काम आप ज्यादा कर रहे हैं इन दिनों। हम लोग जो माननीय नीतीश कुमार के सिपाही है। अच्छा, आप सिपाही हैं उनके? और हम लोगों तो अभी ये लोकतंत्र का महापर्व है जी, जैसे हम लोग छठ मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उस तरह हम लोगों का ये पर्व है जी। जो हम लोग बढ़ चर्च के हिस्सा लेते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोए, सुबह 5 बजे 6 बजे उठे और फिर अपने काम में लग गए। क्या अभी माहौल लग रहा है मिथिला का, सीतामढ़ी का? क्या ये जगह जननी माँ जानकी की पावन धरती है जी। यहाँ पर जो भी एनडीए से आते हैं वो विजय प्राप्त करके ही जाते हैं। अच्छा, हमारे विरोधी भी हैं तो वो भी एनडीए के ही समर्थन में, वो भी 2009 में यहाँ से सांसद बने थे। यही आपसे हम जिक्र करने वाले जी थे। ये तो यहाँ दबदबा तो उनका भी होगा ना इस क्षेत्र पर, दबदबा उनसे क्या कुछ नहीं है इस बार, कुछ नहीं है। ये नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो माहौल है वो हम लोगों को दिखा देना है इस बार। अच्छा, ये बता दें आपको कि 1908 में ये मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था और 1972 में जो है मुजफ्फरपुर से अलग होकर के सीतामढ़ी जिला बना स्वतंत्र रूप से। और 1957 में पहली बार यहाँ से जेबी कृपलानी जो थे वो चुनाव लड़े थे, यहाँ से वो जीत करके सांसद बने, वो भी सांसद बने थे। उस समय हम लोग के पूर्वज थे जो उनको मतदान दिए थे और अभी संसद भवन पहुंचे थे। इसी तरह हम लोग भी अपने से भी
मतदान करेंगे और अपने बाल बच्चा को भी मतदान कराएंगे। हाँ। और माननीय देवेश चंद ठाकुर जी को जो हम लोग दिल्ली में संसद भवन में भेजने का काम करेंगे, और सीता ये जगत जननी माँ जानकी की पावन धरती है। आज तक सीतामढ़ी में इतने सारे नेता बने, जेपी सेनानी भी बने और कर्पूरी ठाकुर भी बने, वो मुख्यमंत्री भी हमारी धरती से सोनवर्षा के ही थे। इस बार किसकी लहर है यहाँ? यहाँ तो वही कुछ एकदम पूरा एकदम जय विजय है, जय नीतीश का, जय विजय है नीतीश कुमार के नाम से और देवेश चंद ठाकुर के नाम से और नरेंद्र मोदी के नाम से। अच्छा, दूसरा तो कोई है नहीं। ठाकुर ने आप लोगों से वादा किया है, किस किस मुद्दे को लेकर के इस बार आप लोग ये कर रहे हैं? देवेश चंद ठाकुर ने हम लोगों से ये मुद्दा किए हैं कि यहाँ जब राम अयोध्या में जो राम मंदिर बने हैं, उसी तरह विकराल हम लोगों को सीतामढ़ी में जानकी जी का अति मूर्ति यहाँ मंदिर जो बनेगी, भव्य मंदिर बनेगी। जी जी जी। अच्छा, कुछ और लोग जानते, क्या नाम हुआ भाई जी? जी राजू प्रसाद। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम लोग। अच्छा, तो आप लोग भी वोट डालते हैं? हाँ। लोकसभा चुनाव तो सभी जगह हो रहा है, क्या इस बार माहौल लग रहा है सीतामढ़ी का? देखिए क्या माहौल लगेगा, ठीक ठाक है। कौन जीतेंगे यहाँ से? अर्जुन राय भी हैं चुनावी मैदान में, देवेश चंद्र ठाकुर भी हैं चुनावी मैदान में। नीतीश को तो अब की लाना नहीं है, नहीं लाना है ना। हाँ। तो बहुत गुंडा राज बना दिया है। हाँ। बिहार को बर्बाद कर दिया है। हाँ। हाँ। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिए हैं भाई जी। अब जिनको जितनी जानकारी हो उतनी। हाँ। एडजस्टमेंट हमारे हमारे बिहार में कुकुन जी के विकास नहीं हुआ है, बच्चे के बिहार में विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार का व्यवहार अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार का व्यवहार अच्छा नहीं है सर, समझे? तो अभी अभी आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले क्या बोला हुआ था नीतीश कुमार, बताइए? वो मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं सभी को। अरे मुख्यमंत्री है, ठीक है मुख्यमंत्री है, लेकिन ऐसा नहीं ना बोलना चाहिए था उनको सांसद में। अच्छा, सीहोर संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं लोग। अच्छा, अब वो सीहोर में पड़ता है? हाँ, सीहोर संसदीय क्षेत्र। जी जी। अभी इनको ये बोले हैं कि नीतीश कुमार क्या नहीं किए, अभी वो बर्गिनिया से आए थे, हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ के आए हैं, वो भी मोटरसाइकिल से आए हैं, और कितने दिन में कितने घंटे में आए हैं वो उनसे सवाल करना चाहिए ना। अभी 1990 का दशक उनको याद नहीं है, वो भूल गए हैं, वो लगता है कि उसी दल से है। वे देखिए तो यहाँ कुल मिला क्या लग रहा है यहाँ का माहौल है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। क्या करते हैं आप? हम एक विद्यार्थी हैं। अभी कहाँ, किस क्या हम है? अभी इंटर का एग्जाम दिए हैं, इस पर ग्रेजुएशन में बेहतर आया, फर्स्ट डिवीजन आया। हाँ, क्या आपने सोचा है, लक्ष्य क्या? देखिए देखा जाए तो युवा का जो सबसे बड़ा श्रृंगार होता है वह रोजी रोजगार होता है, ठीक है? रोजी रोजगार जो है अपने जीवन स्तर बदलने के साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन स्तर बदलने की संभावना रखती है, ठीक है? हाँ। तो हमें लगता है लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर रोजी रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, पर्यटन क्षेत्र, जैसे ये माता जानकी की पुण्य भूमि है, इसके अयोध्या के तर्ज पे इसका भी भव्यता के साथ निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल। क्या बिल्कुल। तो हमें लगता है कि लोगों को रोजी रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी जो मुद्दे हैं इसको देखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर मस्जिद पे वोटिंग हो, क्या मंदिर मस्जिद पे वोटिंग हो, जातिवाद पे वोटिंग हो, तो ऐसे विकास हमको नहीं लगता होने वाले हैं। कौन आगे देश में है? यहाँ पे देखा जाए तो वर्चस्व जो है अभी RJD का ही दिख रहा है जमीनी स्तर पर। हाँ, देखा जा रहा है। अच्छा। लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये तो जनता डिसाइड करेगी, ये 4 जून को पता आपको चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने कई लोगों से जानकारी ली और थोड़ा बहुत जो हमें जानकारी हुई जो आप लोगों को आप सुना बताएं, और बाकी तो आप लोग सब लोग समझदार हैं, गूगल से भी आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जैसा कि इंडिया गठबंधन की ओर से अर्जुन राय चुनावी मैदान में हैं, वो भी पिछले दफ़े जो थे जदयू के ही सैंबल से चुनाव लड़े और यहां से सांसद बने, लेकिन इस बार वो RJD में जो है गठबंधन में गए और अभी इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ NDA की ओर से देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। हालाँकि यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि माँ सीता जानकी के भव्य निर्माण के लिए जो है हम लोग देवेश चंद्र ठाकुर को चुन रहे हैं और उनको जो यहाँ से सांसद हम लोग बनाने का काम करेंगे। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा किसका पलड़ा यहाँ से भारी होता है। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, सहयोगी आकाश के साथ, न्यूज़ 4 नेशन सीतामढ़ी।